भाई मैं YouTube पे 6 महीने से लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन यार अभी तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम तक कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब यार चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। तो भाई 6 महीने में होता कहाँ है, इतना आसान थोड़ी है। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज डिकोडिंग YT, स्टेप ग्रो और हिफ्जान ब्रेक, ये तीनों चैनल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहली वीडियो को ही वायरल किया है। तो भाई 6 महीने तो बहुत बड़ा नंबर है, उससे पहले ही आप 110% ग्रो करने वाले हैं। बस इस वीडियो में जो आपको पॉइंट्स बताऊंगा उसको जरा नोट कर लेना एंड अपने चैनल पे अप्लाई करना, एंड उसके बाद आप डिफरेंस जरूर देखना। वीडियो वायरल किया कैसे है वो तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले इन तीनों चैनल में जो कॉमन थिंक है जिसको अप्लाई करके इन तीनों ने अपनी वीडियो को वायरल किया है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देन मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल पे इसी ट्रिक को अप्लाई करके कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा फास्ट। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट दिस चैनल, दैट व्हाट इज दैट सीक्रेट ट्रिक, इसको यूज करके इन तीनों ने अपनी पहली वीडियो ही वायरल किए, एंड दैट इज एल्गोरो। यस, यार एल्गोरो एक ऐसा यूट्यूबर है जिसको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फास्ट सक्सेस मिली, एंड ऑब्वियसली बंदा बहुत ज्यादा डिमांड में था, इन ट्रेंड में था, और उसी चीज का फायदा उठाते हुए इन तीनों चैनल ने एक ट्रिक लगाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिकोडिंग YT फर्स्ट वीडियो एंड द टॉपिक इज एल्गोरो, एंड स्टेप ग्रो फर्स्ट वीडियो एंड द टॉपिक इज एल्गोरो, एंड ऑल्सो हिफ्जान ब्रेक फर्स्ट वीडियो एंड द टॉपिक इज ऑब्वियसली, बिकॉज वेन यू स्टार्ट अ न्यू चैनल उस टाइम पे आपके पास 0 सब्सक्राइबर होते हैं, और उस टाइम पे अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। बट अगर आप वहीं किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना के अपलोड करते हो जो या तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो या फिर बहुत ज्यादा ट्रेंड में, तो काफी ज्यादा चांस है कि आपकी पहली वीडियो ही अच्छा खासा परफॉर्म करे। तो इन तीनों की जो वीडियो वायरल हुई है उसकी वजह ये खुद नहीं है, बल्कि इसकी वजह है जो टॉपिक इन्होंने यूज किया, मीन्स एल्गोरो। दैट इज द मेन रीजन इन तीनों की वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई, क्योंकि एल्गोरो को पहले से बहुत लोग जानते थे एंड पसंद भी करते थे, और उसी चीज का फायदा उठाते हुए इन तीनों ने अपनी पहली वीडियो में ही एल्गोरो को डाल दिया, जिससे हुआ ये कि जो एल्गोरो की ऑडियंस थी उनको कुछ नया देखने मिला, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने इनकी वीडियो पे क्लिक किया। और अब यहाँ से होता है असली गेम स्टार्ट, क्योंकि भाई सिर्फ एल्गोरो का नाम डालने से आपकी वीडियो वायरल नहीं हो जाएगी। अब आपको अपनी वीडियो में कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे जो एल्गोरो की ऑडियंस है वही आपकी ऑडियंस में बदल जाए। एंड द क्वेश्चन इज, करना क्या है भाई? ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले तो आपको अपनी वीडियो का इंट्रो कैची बनाना है। मेक श्योर करो कि आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोलना है जिससे आपके जो व्यूअर है जिसने आपकी वीडियो पे क्लिक किया है वो मजबूर हो जाए आपकी वीडियो एंड तक देखने के लिए, और इससे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और उससे आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। सेकंड, अब जो अपनी वीडियो में बात कर रहे हो, वीडियो को छोड़ो थंबनेल हो या फिर टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर करो कि जो आप वीडियो में बता रहे हो वो बिल्कुल रियल हो, कोई फेक नहीं हो, और रियल के साथ साथ वैल्यूएबल भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही ऑडियंस को लग गया कि भाई ये तो बंदा अलग ही बात बताता है और थंबनेल में कुछ और ही दिखाता है, तो फिर तो आप सपना छोड़ ही दो ऑडियंस बिल्ड करने का। कोशिश करो अपनी ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट करने का, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ सोचो, एंड तब जाके एक वीडियो तैयार करो। इससे जो ऑडियंस आपके पास आई है उन लोगों को आप पे विश्वास हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई वो आपकी सेकंड वीडियो भी देखेंगे। अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप फेस कैम वीडियो नहीं बनाते हैं देन यू नीड टू फोकस ऑन योर एडिटिंग। मतलब अपनी वीडियो की एडिटिंग ऐसे करो कि व्यूअर जो आपकी वीडियो देख रहा है बिल्कुल भी बोर ना हो। अगर वो जरा सा भी बोर होता है तो समझ लो आपकी वीडियो खत्म, वो आपकी वीडियो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस है। अब वीडियो एडिट करना कैसे है तो इस पे तो आपको पूरी वीडियो फुल डिटेल में मिल जाएगी चैनल पे, ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं अगर अच्छी लगे तो। इसमें मैंने आपको A to Z सब कुछ बताया है, बाकी इसमें मैंने आपको जो भी एडिटिंग से रिलेटेड आपको चीजें चाहिए सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो उसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे फुल डिटेल वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। एंड हाँ, जब आप ये चीजें करेक्ट कर लेंगे तब जाके आप एक बहुत अच्छी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। And the last thing is just focus on your quality more than quantity.